आपसे पूछना चाहती हूँ, जो झूठ बोल के झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा के देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं इनके ऊपर मान हानि का दावा कर सकती हूँ? एक भी शब्द कोई मेरा कहा हुआ दिखा दीजिए, कहीं पे भी दिखा दीजिए कि मैंने पीटी उषा जी को टच किया हो, या उनको कोई गाली दी हो, या धक्का दिया हो। ना ही मैंने उनको टच किया, ना मैंने कोई गाली दी, क्योंकि हम एक आर्मी परिवार से आते हैं। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ चर्चे में चेहरा जो है सुदेश गोयत जी है, जिनको सुधीर चौधरी जो अपना एक खुद का शो चलाते हैं रात के 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट, उनमें इनके बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी कुछ इस प्रकार की थी कि पीटी उषा जी के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी। ये आपके ऊपर आरोप लगे सुदेश जी कि जब पीटी उषा जी यहाँ पहलवानों से मिलने आई थी तब उनके साथ आपने बदतमीजी की थी, ये बात तक कही जा रही है कि उनके साथ आपने हाथापाई की थी, इसके ऊपर आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ, जिस दिन पीटी उषा यहाँ पे आई थी सबसे पहले वो सीधे हमारे खिलाड़ियों के पास गई। खिलाड़ियों से करीब 20 से 25 मिनट के करीब, मैंने टाइम नहीं देखा, करीब करीब 20-25 मिनट उन्होंने बातचीत की। जब वो बातचीत करके वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो गेट के पास आके मैंने उनसे 3 सवाल किए थे। वहाँ पे बहुत सारे नेशनल चैनल थे, पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी, पीटी उषा के साथ एक महिला आई थी और एक ऑफिसर उनके साथ में खड़े हुए थे, और करीब करीब 1.5 फीट का फासला था मेरा और पीटी उषा मैम का। सबसे पहला सवाल मैंने उनसे किया था, मैडम जब आप देश के लिए मेडल लाए थे पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। दूसरा मेरा सवाल था, अभी 2-3 दिन पहले आपने इस आंदोलन के बारे में जो कहा उससे पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है। तीसरा मेरा सवाल था, आप एक महिला होते हुए महिलाओं का अपमान क्यों किया? अगर इन 3 सवालों के अलावा एक भी शब्द कोई मेरा कहा हुआ दिखा दीजिए, कहीं पे भी दिखा दीजिए कि मैंने पीटी उषा जी को टच किया हो, या उनको कोई गाली दी हो, या धक्का दिया हो। ना ही मैंने उनको टच किया, ना मैंने कोई गाली दी, क्योंकि हम एक आर्मी परिवार से आते हैं, मैं अच्छे से समझती हूँ अनुशासन क्या होता है। और वो एक महिला जो मेरे सामने खड़ी थी, मैं वो चीज़ जानती थी कि ये इसने देश के लिए बहुत सारे मेडल लाए हैं, वो भी एक सम्मानित महिला है। इसीलिए मैंने सवाल में शुरू में यही कहा था कि पूरे देश ने सम्मान किया। अच्छा सुदेश जी, एक फोटो ट्विटर पे बहुत वायरल हो रही है जिसमें आप बिल्कुल जैसे हम दोनों साथ में खड़े हैं वैसे मैं पीटी उषा के स्थान पर हूँ और आप यहाँ पे हैं, और पीटी उषा जी का मुंह एक साइड है और वो रोती हुई नजर आ रही है और आप साथ में ही हैं। देखिए वो रो नहीं रहे थे, अभी आप मेरे पास खड़े हो, आप मेरे से इतनी दूर हो, अगर आपके पीछे से कोई फोटो लेकर मेरी उंगली यहाँ है क्या टच हो रखी है? अगर किसी ने पीछे से फोटो लिया है तो वो अगर वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ना ही आप खुद पीटी उषा मैम से जाके पूछ लीजिए, उनके साथ जो महिला थी उनसे पूछिए, एक ऑफिसर उनके साथ खड़े थे, नेशनल चैनल वाले खड़े थे यहाँ पे। तो अगर मैंने ऐसा कुछ अपशब्द कहा होता, उनको टच किया होता, तो वो पिक्चर में क्यों नहीं दिखा रहे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो झूठ बोल के झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा के देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं इनके ऊपर मान हानि का दावा कर सकती हूँ? क्योंकि अगर उनके पास सबूत है तो दिखाएं। एक भी अगर मैंने 3 सवाल बताए उनके अलावा एक भी शब्द मैंने कहा हो, या कोई उनको टच किया हो, या गाली दी हो। अच्छा सुधीर चौधरी जी ने अपने खास प्रोग्राम में आपको ये भी बोला कि आप केवल एक आंदोलन जीवी है, आप जो भी आंदोलन होता है उसमें सबसे आगे जाती हैं और आप केवल अपनी राजनीति चमका रही हैं। तो जो हमारे भगत सिंह ने आंदोलन किए, महात्मा गांधी ने आंदोलन किए, अगर वो सब आंदोलन जीवी है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी है, तानाशाही सरकार से सवाल करना आंदोलन जीवी है, तो मैं खुल के कहूंगी और गर्व से कहूंगी कि हाँ मैं एक आंदोलन जीवी हूँ। मैं चाहूंगी कि पत्रकार भी आंदोलन जीवी बने, आवाज उठाएं, निष्पक्ष दिखाएं, उनका काम तो वो ढंग से कर नहीं सकते। अगर सभी पत्रकारों ने मिलके, खासकर नेशनल चैनलों ने मिलके इन बेटियों की आवाज दिखाई होती तो इन बेटियों के न्याय के लिए 16 दिन यहाँ नहीं बैठना पड़ता। एक दिन भी, एक मिनट के लिए भी अगर सभी चैनल ईमानदारी से, एक मिनट के लिए ईमानदारी से, सारे नेशनल चैनल ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता पे निभा दें तो इन बेटियों को तुरंत न्याय मिल जाए। सुदेश जी, नेशनल चैनल लगातार 16 दिनों से यहाँ पे विशेष कवरेज दे रहे हैं, अपनी 24 घंटे यहाँ पे आंदोलन को बदनाम क्यों कर रहे हैं?
उन लोगों का क्या है जो कह रहे हैं कि ये तो एक ही राज्य के लोग बैठे हैं, एक ही परिवार की महिलाएं बैठी हैं या एक ही अखाड़े के लोग बैठे हैं, तो ये तो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिजभूषण जी की टिप्पणी दी है उन्होंने, कोई नेशनल चैनल ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे एक अखाड़ा एक प्रांत के ही लोग हैं। नहीं तो ब्रिजभूषण तो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ना, तो ऐसे इंसान को जो गुनाह अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा बेटियां यहाँ डटी रहेंगी और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ डटा हुआ है। अच्छा, अभी ट्विटर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट्स पे आप एक चर्चे में चेहरा बनी हुई है, लोग आपको गालियां तक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटियों के सम्मान के लिए बैठी है और बेटी एक आई है तो उसको देखिए किस प्रकार से अपमानित किया गया, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहूंगी जो तुम्हें मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, जिसको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया हुआ मेरे सामने आए मेरे से बात करें, और अगर वे मीडिया वाले जानबूझ के झूठा जो आरोप लगा रहे हैं नहीं तो मैं उनके ऊपर केस करूंगी, या तो सुधीर चौधरी खुद आके मीडिया में बताएं कि सच्चाई क्या है, पीटी उषा मैम से जाके पूछें कि क्या उस महिला ने आपको टच किया था, क्या कोई आप शब्द कहे थे, अगर ऐसा मैंने कुछ किया होता तो वहां पे बहुत सारी पुलिस थी उसी टाइम मुझे गिरफ्तार कर लेती, अगर मैंने गाली दी होती एक सांसद को तो वो मुझे उसी टाइम गिरफ्तार कर लेती, तो ये जो देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मतलब ये एक प्रोपेगेंडा था आपके अगेंस्ट, वो चाहे कुछ भी साजिश रचे उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए आंदोलन को खत्म करने के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो एक बहुत ही बाहुबली है, मैं कहूंगी बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन बेटियों के साथ जो शोषण हुआ है उसके लिए सिर कटा सकते हैं, यह आरोप तो बहुत छोटी चीज है। जो आप रो क्यों रही हैं? मतलब मैं इस रो मतलब मैं डर के नहीं रही हूँ, रोना इसलिए आ रहा कि जब आप कोई गलती नहीं करते हो और फिर आप पे आरोप लगते हैं, और कुछ लोग जो घरों में बैठे वो विश्वास कर लेते हैं, अरे ग्राउंड पे आइए सामने आके बात पूछिए तो सही, जिस पे आरोप लगाए हैं उसने ये गुनाह किया भी है कि नहीं। कहा जा रहा है कि सुदेश चौधरी ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि आप एक ऐसी महिला है जो बस आगे आगे भागने का प्रयास करती है, जहाँ भी आप पीसीज में चाहे कोई भी बाइट हो तो आप पहलवानों के साथ इसीलिए रहती है कि आप अपना चेहरा चमका सके। मुझे चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की मैगजीन टाइम मैगजीन तक मेरे फोटो जा चुके हैं, चेहरा चमकाने की जरूरत तो उन लोगों का है जो पत्तल चाट लोग हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है सारा देश जानता है, यहाँ पे हम अपने बेटियों का साथ देने के लिए आए थे, और जिस टाइम रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बताइए, मैं कब किसके बीच में आई हूँ, जिस टाइम लास्ट में उस दिन पुलिस ने इनके ऊपर हाथापाई की उसी टाइम जब मुझे पता चला 15-20 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे पहुँच गई, और जब मैं यहाँ पे आई तो दोनों बेटियाँ कांप रही थी रो रही थी, तो क्या इस टाइम ना तो कोई बड़ा बुजुर्ग था यहाँ पे ना कोई महिला थी, मैं अकेली महिला थी, तो मेरा फर्ज बनता था कि बेटियाँ रो रही हैं तो मैं उनको चुप कराऊँ, और आपने देखा होगा मैं दोनों बेटियों को चुप करा रही थी, और पीछे एक हमारा भाई जिसके सिर में चोट लगी थी वो बार बार बेहोश हो रहा था, तो मैं उन दोनों बेटियों को भी चुप करा रही थी और उसके लिए भी बोल रही थी कि इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, तो चेहरा चमकाने की बात कहाँ आ गई, चेहरा चमकाते तो अच्छे से खड़े होते, ले भाई मेरा चेहरा ले देख ले, और चेहरा चमकाने के लिए हम वहाँ रो रहे थे, हमारी शक्ल कैसी कैसी फोटो में आ रही है, वहाँ हमें ये भी सुध नहीं थी कि सामने हमें देख कौन रहा है बोल कौन रहा है, सिर्फ हम अपना जो दुख में दर्द था वो बेटियां बता रही थी, मैं उन बेटियों को शांत करा रही थी। सुदेश जी एक और सवाल है, शुरुआत में पहलवानों ने कहा था कि उनके साथ में कई सारी लड़कियां हैं, कई सारे पहलवान हैं जो कि ब्रिजभूषण के द्वारा यौन शोषित हैं जी, लेकिन जिस तरह से अब FIR हुई है, शुरुआत में 7 पहलवान उसके बाद 3 FIR, क्या मतलब ब्रिजभूषण का विरोध करने वाले पहलवान अब खुलकर सामने नहीं आना चाह रहे हैं, या क्या बात ब्रिजभूषण का डर है, खौफ है? देखिए बहुत तानाशाही है, वो बाहुबली है, जब उसने शुरुआत में ही छोटी बच्ची थी जो सबसे नाबालिग बच्ची थी उसके घर में भी बंदे भेजना शुरू कर दिया था डराने के लिए, तो हो सकता कि इसकी कोशिश जारी हो, परिवारों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, परिवारों को डराया जा रहा होगा, लेकिन जो ये बेटियां बैठी हैं डरने वाली नहीं। ब्रिजभूषण को अब तक किसी को धमकी दिया गया है ब्रिजभूषण की तरफ से ऐसा कुछ? यहाँ पे हमेशा माइक से बताया गया है, और इसने अपना बजरंग पुनिया ने खुद बताया है, सबके सामने बताया बजरंग पुनिया ने कि यहाँ पे भी उसके पास भी आके कुछ लोगों ने बोला बजरंग पुनिया को, अगर तू किससे पंगा ले रहा है, तू जानता नहीं वो कितना शक्तिशाली आदमी है, बजरंग पुनिया के ये शब्द हैं और ये मीडिया के सामने बोले गए शब्द,
तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, जिसने जो आरोप लगाना लगाता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा दिल जानता कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो ऊपर वाला जानता, तीसरा कोई क्या सोचता उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।